Hey, what's up everybody? Welcome back to the channel. My name is रोहन कुमार. तो कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो फिर से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली. जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अब एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, आपके स्किल्स मैं इंप्रूव कराऊंगा. जी हाँ दोस्तों, तो ये उस वीडियो का पार्ट वन या फिर एपिसोड वन जो भी समझ लीजिएगा. बस मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, बस कोई सीरीज वगैरह कुछ नहीं है, बट मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ. जी हाँ दोस्तों, आज का थंबनेल आपने देखा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. तो ये आप यहाँ पे ये फोटो जो देख रहे हो गाइस, इसी टाइप की फोटोज आज एडिट होने वाली है. और जैसे ये देख रहे हो गाइस, इस टाइप की फोटोज मैं एडिट करना सिखाऊंगा आपको, वो भी आपके अपने एंड्रॉइड से. कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, 1 GB रैम में भी होएगा, 512 MB जो रैम है उसमें भी चलेगा, सब कुछ होएगा. डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइट रूम एप्लीकेशन का, तो जाके डाउनलोड कर लो. कोई दिक्कत नहीं है, प्ले स्टोर से भी करते हो तो वही वर्क करेगा सारा कुछ. मतलब कोई मोड वोड वाला चक्कर नहीं है इसमें, तो कहीं से भी डाउनलोड कर लो, वर्क उतना ही करेगा. तो गाइस बहुत हो गई बकवास, मतलब बक बक, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस जिस भी फोटो को आपको एडिट करना है, पहले उसे गैलरी में ओपन कर लो. जी हाँ दोस्तों, अपने गैलरी में आके इस फोटो को ओपन कर लो और टैप करके शेयर वाले ऑप्शन पे टैप करो. और फिर यहाँ से मतलब आसानी होती है, मतलब वीडियो को क्या बोलते हैं ओपन करने में लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर. तो यहाँ पे ऐड टू लाइट रूम कर दो. बट याद रखना, आपको लाइट रूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और आपका याद रखना नेट भी ओपन हो, मोबाइल डेटा जो है. तो गाइज ये हमारी फोटो जो है ऐड हो रही है इसमें अभी. तो गाइज हमारी फोटो जो है गाइज वो लाइट रूम है, उसमें क्या बोलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट हो गई है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे. तो हमें यहीं से टैप करके डायरेक्ट लाइट रूम एप्लीकेशन में हम पहुँच जाएंगे. तो गाइज ये ऑल फोटोज यहाँ पे जो सबसे टॉप पे है उस पर क्लिक करना है और हमारी फोटो ये रहेगा जिसको हमने अभी ऐड कर रही थी ना वो. तो गाइज लीजिए, बस इसमें मैं टैप करता हूँ और ये लोग गाइज हम यहाँ पहुँच चुके हैं. तो गाइज अगर आप चाहते हो कोई भी चीज़ किसी चीज़ को एडिट करना, तो यहाँ पे लाइट में जाके यहाँ पे बहुत कुछ है. तो गाइज मैं टेंशन मत लो, ये वीडियो बस थोड़ी सी ट्यूटोरियल है ये भी. बट गाइज अभी मैं आने वाले टाइम में मतलब वीडियो बनाऊंगा आप में, इसमें आपको लाइट रूम का एक मिनी ट्यूटोरियल समझाऊंगा. तो गाइज यहाँ पे अभी इसको कुछ मत छेड़ो, क्या फ़ायदा इसका कुछ करने का, हमें कुछ नहीं करना है. डायरेक्ट बस यहाँ पे टैप करके इधर ये वाले गाइज जो ये कोने में बिल्कुल ये वाला ये सिलेक्टिव टूल है, इस टूल का नाम सेलेक्टिव है. तो इस पर हमें प्लस पे आइकन पे फिर क्लिक करना है और फिर ये स्क्वायर वाले पे क्लिक करना है, ये स्क्वायर वाला. फिर इस पे से क्लिक करके स्क्वायर वाले पे क्लिक करो और कलर नीचे आएगा, ये कलर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. तो हमें इस पे टैप करना है और सॉरी गाइस ये इस टाइप से होगा, मुझे माफ़ कर देना. तो गाइस ये प्लस वाले पे टैप करके और ये हमें इस तरह से गाइस इसको यहाँ पे लेके आना है, जो भी मतलब लाइन लंबी सी स्केल टाइप है. इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ, मतलब शॉर्टली. तो गाइस यहाँ पे फिर कलर पे क्लिक करके हमें जो कलर सेलेक्ट करना है उस पर हमें यहाँ से इस कर्सर को लेके जाना होगा. ये रहा, ये मैं ब्लू करना है तो मैं ब्लू पे लेके जा रहा हूँ. और यहाँ पे सेचुरेशन वगैरह देख लो जो आपको वो आपके अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको पसंद आ रहा है. और ये टैम्प वगैरह तो इसमें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्लू इफेक्ट आ रहा है. थोड़ा मैं इसे कम कर देता हूँ. बस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लग रहा है. मैं तो जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि एक बार टाइम ज़्यादा इंगेज ना हो मेरे लिए. तो गाइस बस मैं इतने पे छोड़ देता हूँ उसको यहाँ पे और फिर दोबारा सेलेक्टिव पे क्लिक करना है और फिर प्लस पे क्लिक करना है और ये स्क्वायर वाले पे क्लिक करके दोबारा से इस तरह से ये स्केल एक ओपन और रोलर टाइप का ओपन होएगा. तो हमें इसे इस तरह से लगाना है, सेट कर लेता हूँ मैं और ये बस यहाँ पे छोड़ के और फिर से यहाँ पे हमें कलर पे टैप करना है नीचे. कलर पे टैप करने के बाद गाइस हमें फिर से इस कर्सर को इधर की तरफ लेके जाना है, रेड वाले पे लेके जा रहा हूँ मैं, मुझे रेड करना है. और फिर कलर अपने अकॉर्डिंग देख लो कहाँ पे कितना सही लग रहा है. यहाँ पे रेडनेस थोड़ा ठीक है, इधर ऑरेंजनेस में भी है लेकिन सही है. तो गाइस बस ये देखो काफ़ी सिंपल था, ये फ़ोटो हमारी पहले ऐसे थी और अब ऐसी है. तो गाइस है ना काफ़ी चकास और काफ़ी ईजी वे में, मतलब मैंने आपको समझा भी दिया, जल्दी हो भी गया. आप इस पर थोड़ा और टाइम दोगे तो आपकी फ़ोटो और अच्छी बनेगी, बट मैंने अभी आपको सिर्फ इतना समझाया है. और अगर आप चाहते हो अगर ट्यूटोरियल वीडियो तो मुझे जल्दी से जल्दी इस पर कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को. तो बस अब आगे आपको समझा कुछ बताना है, तो बढ़ते हैं मेरे फेस कैम वीडियो में. तो गाइज आई होप आपको पूरा प्रोसेस सब कुछ समझ आ गया होगा ढंग से, मतलब अपने माइंड में डाल लिया है. तो गाइज अब देरी किस बात की कर रहे हो, जाके अपनी फोटोज पे भी एडिट करो और इंस्टाग्राम पे डालो और छा जाओ मिनटों में. जी हाँ गाइज, अब जल्दी से जल्दी फोटो एडिट करो और जो समझ नहीं आया आप वीडियो को रिफाइन करके भी दे सकते हो और कुछ पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे. अगर इसी से रिलेटेड कुछ पूछना है, वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आ जाओ मेरे से इंस्टाग्राम पे, लिंक नीचे ही भटक रहा होगा यहीं कहीं, तो वहीं मुझे देख के फॉलो कर लो. और डाउनलोड लिंक भी इसी के आसपास है, डाउनलोड भी कर लो ऐप को, क्या दे रही है. और अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, हाँ लाइक कर दो जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर दो न्यू हो तो. और मुझसे जुड़ जाओ क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ही गदर गदर वीडियोज़ आने वाली है जिसमें कि
काफ़ी बवाल करने वाले हैं हम लोग मिलके, वीडियो एडिटिंग से रिले के, फोटो एडिटिंग और भी अदर अदर चीज़ें आएंगी, बट अभी मैं यही चीज़ डाल रहा हूँ क्योंकि आप भी घर पे बैठे हो लॉकडाउन में, तो कुछ स्किल्स ही इम्प्रूव कर लो अपने, है ना। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, दोस्तों को साथ शेयर कर दो, बोल के भाई देख और भाई को सपोर्ट कर। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, ख्याल रखो अपना और अपनों का। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो बेबी।